सावन का पहला सोमवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी 6.5 से 7 फीसदी हुई। लोकसभा में नीट पर हंगामा पर राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को घेरा, कहा भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम एक फ्रॉड है। लोकसभा में नीट पर हंगामा पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं। कावड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानदारों को पहचान बताने की नहीं है जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार की मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम मोदी ने मंगलवार को सदन में पेश किए जाने वाले बजट की जानकारी देते हुए कहा कि ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है, साथ ही कई ऐसे नियमों को हटाया गया है जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक GDP या वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। लोकसभा में नीट UG परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष के नेता का ये कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। नीट मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और हम दबाव बनाते रहेंगे। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबीश है, सर इससे दुर्भाग्यजनक बयान। देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लोकसभा में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। क्वेश्चन पेपर लीक इन लास्ट 7 years 70 टाइम्स। सर विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड लाइक टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ हाउस थ्रू यू सर, देर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 years इन एवरी नंबर। देर आर इंसिडेंट्स ऑलरेडी, दिस केस राइट नाउ स्पीकर सर, दिस केस इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। All the things has come out, every question has put in front of Supreme Court,
Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility, I can say, in last after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के निर्देश देने वाली सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कावड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडेन का यह निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की है। बाइडेन ने कहा कि वो इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे और 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।